आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। अहमदाबाद में पहला मैच खेला जाएगा, मुंबई और कोलकाता में सेमीफाइनल खेले जाएंगे और अहमदाबाद में दोबारा फाइनल होगा। आईसीसी ने बकायदा अनाउंस किया है कि पाकिस्तान टीम मुंबई ट्रेवल नहीं करेगी सेमीफाइनल के लिए, यानी अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो पाकिस्तान टीम अपना सेमीफाइनल कोलकाता में खेलेगी। इन केस अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल होता है तो वो मैच कोलकाता में होगा, अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो वो मुंबई में खेलेगी। अब आपके सामने वर्ल्ड कप का शेड्यूल रखते हैं। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। पहला मैच अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होस्ट करेगा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। दूसरा मैच 6 अक्टूबर को पाकिस्तान और क्वालिफायर का, मुझे लगता है पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच हो जाना हैदराबाद में। उसके बाद 7 अक्टूबर को बांग्लादेश अफगानिस्तान धर्मशाला। अफगानिस्तान फैंस अलहदा से भी वीडियो आ रही है जिसमें आपके क्रिकेट मैचेस को डिस्कस किया जाएगा। इंडिया फैंस के लिए भी वीडियो आ रही है, इसके बाद पाकिस्तान फैंस के लिए भी वीडियो आ रही है। पूरा शेड्यूल आपके सामने है। जबरदस्त वेन्यूज हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, धर्मशाला, दिल्ली, लखनऊ। लखनऊ में इंग्लैंड और इंडिया का मैच है, यानी सही इंडिया ने फंसाया है लखनऊ को। बल्कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच भी बेंगलोर में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच भी चेन्नई में है। बड़ा मजे का मुझे ये स्केड्यूल लगा है। आप देखें 10 अक्टूबर को इंडिया अफगानिस्तान का मैच है दिल्ली में। एक बड़ा मैच मुझे जो नजर आ रहा है वो 14 अक्टूबर को बड़ा जबरदस्त मैच होगा इंग्लैंड और अफगानिस्तान का। मतलब मैं बड़ा लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूं इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि बड़ा फंसाना है अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को अपनी स्पिन से। बहुत जबरदस्त स्केड्यूल है ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर से ये वर्ल्ड कप शुरू होगा और 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल होगा। सेमीफाइनल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एक सेमीफाइनल मुंबई में है, दूसरा कोलकाता में है। अगर पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल क्वालिफाई करती है तो पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल कोलकाता में खेलेगी, ये फिक्स है। इमेजिन कर लेते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो जाता है तो वो भी कोलकाता में ही होगा, यानी पाकिस्तान किसी सूरत मुंबई ट्रेवल नहीं करेगी। पूरा शेड्यूल आपके सामने है वर्ल्ड कप का। आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का है और उससे ये जो 12 नवंबर वाले दो मैच है ना, मुझे लगता है वर्ल्ड कप यार इसमें बड़ा फंस जाना है। देखिए आपके कितने मजे के मैच है ये, इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच कोलकाता में जो होना है, क्या पता इस टाइम वर्ल्ड कप का क्या सिनेरियो हो। पाकिस्तान तो फंस फंस के हमेशा आखिर में आगे आता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच भी अहमदाबाद में ही है। अगर आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है अहमदाबाद में, तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये मैच अहमदाबाद में होगा। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि ये मैच अहमदाबाद में हो। दुनिया का हर क्रिकेट फैन चाहता है कि अहमदाबाद में ये मैच हो, लेकिन आईसीसी ने बकायदा अनाउंस किया है कि पाकिस्तान टीम मुंबई ट्रेवल नहीं करेगी। यानी मैं आपको धर्मशाला की एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे 2016 में मैच से 8-9 दिन पहले धर्मशाला से मैच शिफ्ट कर दिया गया था कोलकाता, अहमदाबाद में भी मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट पे यही होगा। बिकॉज इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल्स अभी इसमें है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, सो अनाउंस तो हो गया है। सो ये सारी वर्ल्ड कप का स्केड्यूल एक दफा फिर आपके सामने है। अभी जो आने वाली इसके बाद की वीडियो है, इंडिया के स्केड्यूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के स्केड्यूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी दो अलहदा वीडियो। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के फैंस को भी हमने प्रॉपर साथ लेके चलना है, बहुत बड़ी क्रिकेट नेशन है। अफगानिस्तान पे भी आपको अलहदा से एक वीडियो देखने को मिलेगी, यानी इस वीडियो के बाद 3 वीडियोज आ रही है जिसमें हम डिटेल में इन 3 बड़ी एशियन टीम्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो, ये स्केड्यूल आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।